मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। जी मेथी का उपयोग करने का तरीका बहुत सरल बताया बाघभट्ट जी ने कि रात को एक गिलास गुनगुने पानी में या गर्म पानी में एक चम्मच मेथी दाना डाल दें, रात भर उसको रखें, सुबह उठकर मेथी दाने को चबा चबा के खाएं। चबा चबा के खाने का महत्व तो बहुत है। कई लोग मेथी की फंकी लेते हैं, पिसा हुआ मेथी होता है ना, उसकी फंकी लेते हैं, लेकिन फंकी का महत्व तो इतना नहीं है जितना चबाकर खाए हुए मेथी का है। क्यों? कारण उसका यह है कि जैसे ही मेथी आप चबाते हैं लार बनना बहुत तेजी से शुरू होती है, क्योंकि मेथी का जो स्वाद है ना वो कटुक है, कषाय स्वाद है उसका। तो उस स्वाद की कोई भी चीज आप चबाएंगे बहुत तेजी से लार बनेगी, और वो लार मैंने आपको पहले ही बता दिया है आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसलिए मेथी दाने को चबाकर खाने का असर बहुत गहरा और बहुत अच्छा होता है। तो आप मेथी दाना नियमित रूप से अपने घर में रखें, रसोई में रखें, उसका उपयोग करें। इस मेथी दाने के लिए एक बात वैसे मैंने महसूस की है, हमारे ज्यादातर घरों में अचार जितने भी बनते हैं सब में मेथी होती है ज्यादातर। तो आप बाघभट्ट जी की बात अगर मानते हैं और सुनते हैं तो जो भी अचार में मेथी है वो अचार नहीं है, औषधि है, दवा है। माने आप कभी भी अपने जीवन में ऐसे अचार खाने से परहेज ना करें जिसमें मेथी है। मेथी है तो जरूर खाएं, वो चाहे आम का अचार हो, चाहे कोई भी दूसरा नींबू का हो, या जो भी अचार आप डालते हैं अगर मेथी है तो जरूर।